तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता लेकर आई हूँ जो कि सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। मोस्टली क्या है ना, सभी के घर में रोटियाँ कभी कभी बच जाती हैं, और अगर नहीं भी बचती हैं तो मेरे घर में तो स्पेशली सेक के रखी जाती हैं रोटियाँ इसको बनाने के लिए। और हम लोग जब भी ट्रैवलिंग के लिए बाहर जाते हैं तो रास्ते के लिए हम ये ज़रूर बना के लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होती हैं खाने में और सर्व करने में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं नीलू गुप्ता आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पर, और एक नई रेसिपी के साथ आपको ले चलती हूँ अपनी रसोई की तरफ। तो चलिए हम बनाते हैं रोटी रैप, या जिसे रोटी समोसा भी कह सकते हैं। तो ये रात दो रोटियां मैंने सेक के रख दी थी ये रेसिपी बनाने के लिए, और अब मैं मॉर्निंग में इनको बना रही हूँ। तो ये किस तरीके से बना रही हूँ इनको आप देखिएगा, और एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ना एक एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी होता है हर वीडियो में। तो इसके लिए जो मैंने सामान लिया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसके लिए लिए हैं, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो मैंने ये एक प्याज है जो स्लाइसेस में कट की है, एक टमाटर है और कुछ पनीर के स्लाइस हैं, और सबको बहुत बारीक बारीक काट के रखा है मैंने। अब इधर चलते हैं। तो ये है रात की बची हुई सब्ज़ी, जो मैंने रात शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी वो बच गई थी, और ये है शेज़वान चटनी और मेयोनीज़। इसको मिक्स करके हम इसका एक सॉस बना लेंगे, डिप बना लेंगे इसका। और ये है हरी धनिया वाली चटनी, और साथ में कुछ नमक है, ऑरेगानो है और काली मिर्च का पाउडर है। बस इतना सामान हमें इसके लिए चाहिए होता है। और अगर चिली फ्लेक्स भी आप लोग चटपटा थोड़ा पसंद करते हो तो चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, पर ऑलरेडी इसमें चटनी में भी थोड़ी मिर्चें होती हैं, और फिर सब्ज़ी जो हम रात की लगाएंगे ये भी थोड़ी सी चटपटी है, इसलिए मैं मिर्च को अवॉइड कर रही हूँ इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोटी लेते हैं और एक को हम साइड कर देते हैं, पहले हम एक को तैयार कर लेते हैं। तो इसको मैंने पिज़्ज़ा कटर से बीच में से कट कर दिया है, तो केवल सेंटर तक हमें रोटी का एक पीस कट करना है। और ये सिंपल चाकू से या कैंची से भी कट हो सकता है पिज़्ज़ा कटर अगर नहीं है अवेलेबल। और ये देखिए इस तरीके से इसको हमने काट लिया है, और अब हम इसमें जो हमने सॉसेस बना के रखी हैं उनको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ शेज़वान चटनी। तो आप इसको हम इमेजिन करेंगे कि फोर पार्ट्स में ये हमारी रोटी है, तो हम टू पार्ट्स में शेज़वान चटनी लगाएंगे, और टू पार्ट्स में हम लगाएंगे ग्रीन वाली चटनी, जो धनिया वाली चटनी है हमारी, उसको अप्लाई कर देंगे इस पर। और बस रफली अप्लाई करना है, क्योंकि हमें तो फोल्ड ही करना है इसको, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको बहुत बारीकी से अप्लाई करें। तो चलिए अब हम इस पे लगाने शुरू करते हैं जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं। सबसे पहले मैंने लगा दिए हैं प्याज के स्लाइसेस और टमाटर के स्लाइसेस। साथ में जो पनीर काट के रखा था मैंने बारीक बारीक पीसेस में, उसको भी लगा दिया है हमने इस पे। और अब हम इस पे कुछ मसाले छिड़केंगे। तो मसालों में ये जो नमक है, तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब चीज़ों में सॉल्ट हैगा। बस केवल प्याज और टमाटर के और पनीर के हिसाब से मैंने हल्का हल्का सॉल्ट लगा दिया है, और ऑरेगानो सब में स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ में काली मिर्च का पाउडर भी। और इन तीनों चीज़ों को स्प्रिंकल करने के बाद अब हम इसे करेंगे फोल्ड। तो फोल्ड करने का तरीका बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और समझ में इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्याज वाली साइड मैंने पहले ली है, कोई सी भी साइड आप ले सकते हो, मतलब जो राइट हैंड का पार्ट है उसको मैंने पहले फोल्ड किया है, और उसके बाद उसको मैंने पनीर वाले पार्ट पर फोल्ड करके, और लास्ट में जो चटनी वाला पार्ट बचा है हमें उसको हम फोल्ड करके और इसका पूरा एक रैप बना देंगे, और हाथ से ना दबाते जाएंगे जिससे कि हमारा जो अंदर इसका सामान मटेरियल है वो बाहर ना निकले बिल्कुल भी। इस पे मैंने थोड़ी सी शेज़वान और लगा दी है, और एक मैंने प्याज का पीस भी रख दिया है कटा हुआ, और अब इसको हम इस पे चिपका देंगे और इसको रख देंगे पलट के रखेंगे इसको, जिससे कि ये पार्ट जो है इसका चिपक जाए।
और अब मैं इसी तरीके से दूसरी रोटी भी तैयार कर लूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि आपको मैं दिखा चुकी थी, इसलिए मैंने कहा दूसरी रोटी भी तैयार कर लेती हूँ फटाफट, और फिर हम एक साथ इनको ग्रिल में सेक लेंगे। और अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो तवे पर भी सेक सकते हैं। तो तवे पर भी सेम इसी तरीके से घी लगा के, बटर लगा के इनको पलट पलट के सेका जाएगा। और ये देखिए मेरे दोनों रैप तैयार हैं। तो चलिए अब मैं इनको लगा देती हूँ अपने ग्रिल टोस्टर में। तो मैंने सबसे पहले इस पे लगाया बटर, क्योंकि ना ये बटर में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बटर मैं पूरे पे नहीं लगा रही हूँ, उतने पार्ट पे लगा रही हूँ जितने पे मेरा ये आएगा पूरा रोटी का जो रैप बनाया है हमने। तो मैं दोनों साइडों में बटर लगा के और ये रैप्स इस पर लगा दूँगी, और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी बटर लगा के और मैं लगा दूँगी इसको, और फिर इसको हम कर देंगे कवर। 5 मिनट के बाद हम इनको पलट देंगे एक बार फिर से, जिससे कि ये दोनों साइडों से अच्छे से सिक जाएं। और ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बटर रख दिया है, और ये अपने आप ही जब गर्म होगा ना तो मेल्ट हो जाएगा, और इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे ही रख के और अब मैं इसको कवर कर दूँगी, और बस अब 5 मिनट के बाद देखेंगे इसको खोल के। और देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और इस साइड से हमारे रैप्स अच्छे से सिक चुके हैं। आप देख सकते हैं गुलाबी कलर भी हो गया है और लाइनें भी आ गई हैं। तो अब इनको आराम से पलट देंगे चिमटे की सहायता से, और अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। और देखिए अब ये हमारे दोनों रोटी रैप तैयार हैं, और बिल्कुल रोटी समोसा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि समोसे की शेप आ जाती है इसकी बनने के बाद। और देखिए बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं ये, बहुत अच्छे लगते हैं। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी घर पे, बची हुई सब्ज़ी से, सैलेड से और प्याज वगैरह से हम, और बची हुई रोटी से हम इसको बना सकते हैं। और अगर आपको मीठा फ्लेवर पसंद है ना, तो इन सब चीज़ों की जगह फ्रूट्स भी लग सकते हैं इसमें। तो आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा।